हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटो एडिटिंग। तो गाइस, मैं आज आपको जो फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ वो फोटो एडिटिंग इंस्टाग्राम पर बहुत ही वायरल चल रहा है, आपको भी ये एडिटिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो आज आपके लिए लेकर आए हूँ न्यून स्माइल फोटो एडिटिंग। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का फोटो एडिटिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहना, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो पहले गाइस, आपको क्या करना है, इस टाइप का फोटो उठाना है, स्माइल देख करके फोटो उठा देना। उसके बाद आपको इरेज करने के लिए, बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए शेयर करना पड़ेगा पी सेट के अंदर। तो हम पी सेट के अंदर शेयर कर देते हैं। पी सेट के अंदर शेयर करने के बाद आपको, तो फ्रेंड्स, मैंने जितने भी पीएनजी और बैकग्राउंड यूज करूंगा सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर, हमें बैकग्राउंड पहले इरेज कर देते हैं मॉडल की। तो यहाँ पर मॉडल को सिलेक्ट कर देते हैं, ड्रॉ टूल पर इरेज करेंगे, अच्छी तरह से होगा इरेज, एचडी तरीके से। यहाँ पर ड्रॉ टूल पर आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर 3.3 लेयर पर क्लिक करके मॉडल को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको इरेज पर क्लिक करके साइज को रख देना है, यहाँ पर मेरी तरह रखना है। उसके बाद आपको सेट करके यहाँ पर इरेज कर देना है। तो वीडियो को स्पीड बढ़ाने देता हूँ आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहना, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको बैकग्राउंड एरेज करना नहीं आता, तो प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड एरेज कर सीखना चाहते हो तो पहले से ही वीडियो बनाकर रखा है, डिस्क्रिप्शन का लिंक है, जाकर देख सकते हो। पूरी बैकग्राउंड एरेज होने के बाद बताता हूँ क्या करना है आपको। तो यहाँ पर इरेज कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो इरेज होने के बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। पूरा इरेज होने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके। तो सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक है, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको इंटू करके बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है, ब्लैक बैकग्राउंड। उसके ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आपको 8 फुट पर जाकर के मॉडल को सिलेक्ट कर देते हैं, बैकग्राउंड एरिया वाला मॉडल को। तो यहाँ पर 8 फुट पर क्लिक करके मॉडल को सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये रहा मॉडल को, यहाँ पर 8 फुट पर क्लिक करके मेरी तरह एडजस्ट करना है आपको, एडजस्ट करना है। यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको राइट पर क्लिक करके फिर से बैक जाना है। तो यहाँ पर राइट पर क्लिक करके बैक जाते हैं। तो बैक जाने के बाद आपको 8 फुट पर क्लिक करके एक स्माइल का पीएनजी लाएंगे। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर फुल स्क्रीन करके एडजस्ट कर देते हैं ठीक से। एडजस्ट करने के बाद आपको और एक स्माइल का पीएनजी नीचे की तरफ लगाना है। तो यहाँ पर ठीक से एडजस्ट करने कर देते हैं। तो एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करके बैक जाना है। और उसके बाद आपको 8 फुट पर क्लिक करके और एक स्माइल का पीएनजी लाएंगे। यहाँ पर ये रहा स्माइल का पीएनजी। उसके बाद आपको ये भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देना है नीचे की तरफ फुल स्क्रीन करके। उसके बाद राइट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको लाइट का पीएनजी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको लाइट का पीएनजी एडजस्ट कर देना है। यहाँ पर फुल स्क्रीन करके आपको ब्लेंड करना है, ब्लेंड पर स्किन कर देना है। यहाँ पर ब्लेंड करेंगे उसके बाद स्किन कर देना है। उसके बाद राइट पर क्लिक करके और एक लाइट का पीएनजी लाना है। यहाँ पर 8 फुट पर क्लिक करके लाइट का पीएनजी लाते हैं। उसके बाद आपको 8 फुट पर क्लिक करके लाइट का पीएनजी लाना है। उसके बाद आप इसको भी फुल स्क्रीन कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लेंड कर देते हैं, इसको भी ब्लेंड स्क्रीन करने के बाद आपको ब्राइटनेस एडजस्ट पर जाकर ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देंगे। ब्राइटनेस कम करने के बाद आपको राइट पर क्लिक करके यहाँ पर बैक जाना है। अभी फोटो को सेव कर देंगे, लाइट रूम पर ओपन करेंगे कलर का स्क्रीन को भी। तो यहाँ पर आप ड्रॉ टूल पर सेव करेंगे। ड्रॉ टूल पर जाने के बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेव कर देना है इमेज को। सेव करने के बाद आपको लाइट रूम पर शेयर करना पड़ेगा कलर कर्सन के लिए। तो यहाँ पर शेयर कर देते हैं लाइट रूम पर। तो लाइट रूम पर शेयर करने के बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर शेयर हो गया। उस शेयर होने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ स्वाइप करके ओपन करना है लाइट रूम। लाइट रूम ओपन होने के बाद आपको ऑल फोटो पर क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट कर देना है। तो फोटो को सिलेक्ट कर देते हैं। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको पहले ब्राइटनेस एडजस्ट करना है। तो ब्राइटनेस पर क्लिक करके यहाँ पर ब्राइटनेस को क्लिक करके यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के बाद आपको ब्राइटनेस इमेज में ज़्यादा है, उसके बाद हम कम कर देंगे। कम करने के बाद शैडो भी ज़्यादा है, उसके बाद हम कम कर देंगे। उसके बाद हमें व्हाइट्स को कम करना है। व्हाइट्स को कम करने के बाद ब्लैक्स को बढ़ाना है ताकि रियलिस्टिक लगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कलर्स पर क्लिक करके मिक्स पर जाना है। उसके बाद सेकेंड कलर की ल्यूमिनेंस को थोड़ा बढ़ाना है ताकि फेस की ब्राइटनेस ज़्यादा है। सेचुरेशन को कम कर देना है। सेचुरेशन को कम करने के बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद आपको डन करके बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको टेम्परेचर को माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको टिन को भी माइनस कर देना है। टिन को माइनस करने के बाद आपको थोड़ा वाइब्रेंस को माइनस कर देना है। आपको यहाँ पर जाना है इस टूल पर जाने के बाद आपको क्लैरिटी थोड़ा बढ़ाने के बाद अब कुछ नहीं करना है। नीचे आना है, बिगनेट को माइनस करना है। उसमें बिगनेट को माइनस करने के बाद आपको नीचे आना है, ग्रेन अमाउंट को थोड़ा बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद आपको साइज को कम कर देना है। उसके बाद राइटनेस को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद हमारी एडिटिंग हो चुकी है। ये रहा बिफोर एंड आफ्टर बहुत बढ़िया एडिटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें सेव कर देंगे, सेव टू डिवाइस।